तो हम दर्शन करके आ गए हैं, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ है, शायद ही ऐसा दर्शन हुआ। देखिए छोटे छोटे लोगों ने घर बनाई है। तो भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है, रात को बहुत अच्छी नींद आई है, ठंड नहीं लगी है बिल्कुल भी, क्योंकि हम जैकेट, ये देखो जैकेट डाली थी, स्वेटर डाली थी और दो दो रजाई दिया था हमको, तो भाई ठंड नहीं लगी है, बहुत अच्छा कैंप था। लोग बोलते हैं कैंप में भाई ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी रात में, मैं तो कंबल मत उठा के सोता था। मैंने जैकेट खोल दिया रात में, फिर ये कंबल दो दो ओढ़ रखा था, एक हटा दिया मैंने, बहुत गर्मी लग रही थी। कुल मिला के रात कट गई बढ़िया, 100 रुपये में और क्या चाहिए भाई, 100 रुपये में और क्या चाहिए, जान लो आराम मिल गया पूरा फुल, क्योंकि 10:30 बजे तक हम सो गए थे और पूरा सोए हम अभी तक, अभी सुबह के बज रहे हैं 5, तो अभी फिर चलना शुरू करेंगे, क्योंकि खाली प्लेन वाला एरिया रह गया है, अब डायरेक्ट मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे जाके नहाएंगे वगैरह, थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद जाके थोड़ा चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद सीधा मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर वापस चलना है नीचे को, और उसके बाद देखते हैं शायद बद्रीनाथ का भी हो टूर, तो बने रहिए, आज है दूसरा दिन। इस तरीके से टेंट में सोए थे सब, एक लाइट है, चार्जर है, भाई अभी सो रहे हैं, सब तो अभी सो, एक भाई सब बाहर गए थोड़ा मुआयना करने, चलो चलते हैं फिर। तो भाई साहब यहीं पे हमारा जुगाड़ था फ्रेश होने का, तो हम यहीं पे फ्रेश हो गए। यहाँ पे नहीं, बाहर था भाई साहब, यहाँ पे सोने का जुगाड़ था। यहाँ पे फ्रेश होने का जुगाड़ था भाई ने, यहाँ पे नहीं था, बाहर था, यहाँ पे सोने का जुगाड़ था। यहाँ पे जुगाड़ ढूंढा भाई ने, और यहाँ पे हमने जैसे टेंट का चैन खोला तो हमें ये नजारा दिखा। कौन सा नजारा दिखा आप? अभी ये नजारा देखो भाई साहब, ओ भाई और वेट नहीं हो रहा, चलो फटाफट। भाई मॉर्निंग व्यू देखो, वहां से आए हम नीचे से, पहले था ये वाला रूट, फिर आपदा के बाद इधर वाला बना, ये था शायद 16 किलोमीटर, ये तो पता नहीं कितना किलोमीटर है, 25-26, ये था पहला वाला रूट। ये देखो भाई, भाई तो क्या डंडा कौन ले गया, डंडा ले गया तीनों भाई, सुबह कोई खड़खड़ कर तो रहा था यार। तो भाई हमारा लाठी चोरी हो गया है टेंट में से, हमारा सा ट्रैकिंग स्टार्ट है, लाठी चोरी हो गया है भाई, ऐसा काम कर देते यार केदारनाथ में आके, बताओ डंडा तक भी नहीं छोड़ा है, डंडा भी नहीं छोड़ा, अच्छा वो हमने जूता अंदर रखा था, नहीं तो भैया पहले सोच रहे थे जूता बाहर रखे, जूता भी गायब हो जाता नंगे पैर चलने वाले। भाई रात को हम यहीं पे थे, हमें कुछ दिखा ही नहीं, क्या ऐसा भी कुछ नजारा है सामने, यहाँ पे डिनर किया था ना हमने रात में, तो रात में हमने किया था यहाँ पे डिनर, रोटी चावल, चावल तो खाया नहीं, फाइव स्टार मैं सही बनाया था, दाल उसने सही बनाया था, सबसे बढ़िया बात हो गई है रात में ठंड नहीं लगी है। 270 में खाना पीना सोना, हाँ 270 में खाना पीना सोना, नहीं इसमें चाय भी इंक्लूडेड है ना, चाय तो 250 रुपए की चाय, 150 रुपए की थाली, पहले ज्यादा इंपोर्ट, और टेंट भी मिला बढ़िया भाई, बिल्कुल ठंड नहीं लगी, हाँ सुबह सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था थी बढ़िया, साफ सुथरा बिल्कुल टेंट वाला। भाई ये नजारा तो देख के सारी थकान खत्म हो गई। ये भैया घोड़ा स्टैंड, कौन से घोड़े पे आए थे भाई से पिछली बार? रुद्रा पॉइंट, बस स्टेशन, टेम्पो स्टेशन, घोड़ा स्टेशन। तो दोस्तों वेट इज ओवर, ये देखो भाई धूप निकल रही बिल्कुल चोटी से, पहाड़ों के बीच से चीरते हुए चमक रहा है पहाड़, आप देख सकते हो चोटी पे धूप निकल रही है, पहाड़ों का सीना चीरते हुए धूप निकल रही है, और सबसे बढ़िया बात यह होगी कि कल भी हमें बारिश का सामना नहीं करना पड़ा और आज भी मौसम इतना बढ़िया है, तो हमें लग रहा है हम ही सबसे बढ़िया मौसम में आए हैं, दिल बिल्कुल खुश हो गया है, ऐसे इस मॉर्निंग भाई किस्मत वालों को ही होती है। आओ।
अरे क्या हो गया भाई? हाँ क्या हुआ? अभी जाओ भी पता लगेगा, जा जाओ भी जाओ। यार पानी तो बहुत गर्म है। बहुत गर्म आ रहा है, लगाओ मुंह पे लगाओ। मजा आ रहा है, बहुत गर्म पानी आ रहा है। सुरसुरी फाड़ती हुई जा रहा है। भाई देखो हमारे साथ एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में तारीफ करना है, जिसकी लेकर जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाता था, अलग से एक सीरीज बनती। इनकी वजह से हम रात में पहुंचे नहीं तो हम दोपहर में पहुंच जाते हैं। इनको जहां बैठने को मिलता है वही वहां बैठते नहीं है, वहां लेट जाते हैं। देखते भी नहीं है कि वहाँ कीचड़ है क्या है, लेट जाते हैं बस। खाने और सोने से मतलब है इनको कोई मतलब नहीं है भाई। और ये इन्होंने ठान लिया है कि अगली बार ये हेलीकॉप्टर से आएंगे। अगली बार हेलीकॉप्टर से? पिछली बार किससे आए थे भाई साहब? पिछली बार घोड़े से आए, इस बार हेलीकॉप्टर से आएंगे। इस बार तो पैदल लेके आए, अगली बार हेलीकॉप्टर से आएंगे। सनराइज, उस टीले पे भी धूप आ गई, देख चमक रहा है। टीले टीले पे धूप आ गई है। इतने सुबह तो हमारे वहाँ पे नॉर्मल प्लेन एरिया में सनराइज होता नहीं है ना। हेली पे ये देखो फिर हेलीकॉप्टर जा रहे आ रहे। भाई सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे नहाने की, एक गर्म पानी की व्यवस्था मिली है। 150 रुपये बाल्टी 150 रुपये बाल्टी, लेकिन कंडीशन करने के बाद 100 रुपये बाल्टी हुआ है। 4 बाल्टी लेंगे, 400 रुपये 400 रुपये नहाएंगे फिर चलेंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। सोने का जो रेट दिया 400 रुपये, रात भर सोने का 150, सोने का 100 रुपये 100 रुपये, सोने का 100 रुपये देना पड़ रहा है। ना पानी अभी नहाने का 100 रुपये, खाने का 150 रुपये, सही है जितना एक्सपेक्ट किया था उससे सस्ता है। पानी तो ज्यादा बेस्ट है, पानी तो बधेरे पड़े नहा ले। पानी तो देने के लिए सब फ्री में पड़े, गर्म पानी है सबका। भाई नहा धो के हो गए हम तैयार, जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो जहाँ तक मोबाइल अलर्ट होगा वहाँ तक जाऊँगा, उसके बाद जाके मोबाइल रख दूंगा मैं। दर्शन करना है तो वही खुद ही आना पड़ेगा, सब कुछ तो मिलेगा नहीं यहाँ पे ऐसे। चलो चलते हैं, कुर्ता बनाया था, कुर्ता पहन लिया हमने, बढ़िया लग रहा है। प्रसाद हमने ले लिया है, अब
चल रहे लाइन में खड़े हैं सीधा दर्शन करने, कम से कम 200-300 मीटर लंबी लाइन होगी। मंजिल पास है भाई, क्या करो। तो हम दर्शन करके आ गए हैं, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ है, शायद ही ऐसा दर्शन हुआ है। पिछली बार भैया आए थे वो बोल रहे थे गर्भगृह के अंदर भी नहीं जा पाए थे, इस बार मन भर के हुआ दर्शन, बहुत अच्छा, इतना अच्छा दर्शन हुआ बता ही नहीं सकता। बिल्कुल आराम से दो बार माथा टेका, इसको स्पर्श करें, चार बार मैंने टेक लिया वहाँ पर रुके आराम से, बिल्कुल दिल खोल के, जितना मतलब क्या बोल सकते हैं, इतना खुशी हो रही है, फील कर ही सकते हो, खुशी हो रही है, मतलब दिल खोल के बिल्कुल दर्शन किए, बिल्कुल दो चार बार आराम से माथा टेका। अब ये देखिए भीमशिला पत्थर, केदारनाथ में जो आपदा आई थी इन्हीं की वजह से टली थी। देखिए छोटे छोटे लोगों ने घर बनाई है। और जो मैं सरप्राइज की बात कर रहा था, तो अभी केदारनाथ का सफ़र तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी दूसरा सफ़र यहीं से शुरू हो रहा है। तो हम अभी जा रहे हैं केदारनाथ से बद्रीनाथ, तो अभी ये वाली सीरीज शुरू होने वाली है केदारनाथ से बद्रीनाथ, तो बने रहिए हमारे साथ।